छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को तीजा पोला त्यौहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में इस साल तीजा पोला त्यौहार मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीएम बघेल ने इस आयोजन में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया है। वहीं पोला के लिए मुख्यमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाने का काम भी शुरू हो गया है और ये व्यंजन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल तैयार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की बात पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि वे लगातार कांग्रेस में रहकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी लड़ाई समाप्त हो गई है, वैसे अब वो विपक्ष में चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री महासचिव मुख्यमंत्री बनाया। वहीं उदयपुर चिंतन शिविर में उनको जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैं समझता हूं कि उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो मैंने फ़ोन किया उनको और तीजा पोला का कार्यक्रम है, कल पोला है तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा त्यौहार, मुख्यमंत्री निवास में भी इसका आयोजन है, तो मैंने निमंत्रण दिया उनको। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने का, और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गए, वो ऐसे ही नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए, तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से उतना सब कुछ वो प्राप्त किया।